होंडा एक ऐसा नाम जो अपनी रिलायबिलिटी और प्रीमियमनेस के लिए जाना जाता है, और इसी रिलायबिलिटी और प्रीमियमनेस का एक एग्जांपल आज हमारे बीच में है द फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ होंडा जैज। ये कार पहले से ज़्यादा स्पॉटी एंड ब्यूटीफुल लगती है और इसी के साथ ज़्यादा प्रीमियम भी फील होती है। अब मैं प्रीमियमनेस के बारे में बात कर ही रही हूँ तो एक ऐसा प्रीमियम फीचर है जो हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जी हाँ, मैं सनरूफ के बारे में बात कर रही हूँ जिसके अंदर से निकल के अब मैं बोल रही हूँ। और ये जो कार है ये अब एक इकलौती हैचबैक है जिसमें सनरूफ ऑफर की गई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। होंडा जैज अब सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में ऑफर की जा रही है। इन केस यू वांट डीजल इंजन तो आपको इसी की बड़ी वैन WRV या फिर इसके राइवल्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ हमें 1.2 लीटर Bs6 कंप्लाइंट 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 66 PS ऑफ पावर एंड 110 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाकी अब हमें 5-speed मैनुअल एंड 7-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलती है, और ये जो इंजन है ये आपको 17-16 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज निकाल के दे देगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फ्रंट पार्ट ऑफ द कार। तो सबसे पहले मैं कार के लुक्स के बारे में बात करना चाहूँगी। तो इस बार हमें न्यू एंड अपडेटेड लुक्स देखने को मिलते हैं जो कि पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ऑल्सो हमें न्यू डिज़ाइन का बम्पर भी दिया गया है जो कार को एक स्पॉटी सी लुक ऐड कर रहा है। बात करें हमारे हेडलैम्प्स के बारे में तो यहाँ हमें न्यू LED हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं जो वाइट इन कलर है। ऑल्सो हमें यहाँ पे इंटीग्रेटेड DRLs भी दिए गए हैं, और जो हमारा इंडिकेटर है उसका सेटअप भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। फॉग लैंप्स के बारे में अगर मैं बात करूं वो भी हमें LED ही देखने को मिलते हैं। सेंटर में हमें ह्यूज पियानो ब्लैक फिनिश ग्रिल देखने को मिलती है, और इन केस अगर आपने नोटिस किया है तो होंडा ने फ्रंट पार्ट में क्रोम का काफ़ी यूज़ किया है। चाहे आप फॉग लैंप्स के अराउंड देख लीजिए या फिर इस ग्रिल एरिया पर देख लीजिए जो कि कार में एक बड़ा प्रीमियम सा टच ऐड कर रहा है। मूविंग ऑन टू द साइड पार्ट ऑफ द कार, यहाँ पे हमें 15 इंच अलॉय दिए गए हैं, और हमारा जो टायर सेक्शन है वो है 175/65R15। जो हमारा साइड मिरर है उस पर हमें इंडिकेटर भी दिया गया है। ऑल्सो जो हमारा डोर हैंडल है वो हमें क्रोम फिनिश में देखने को मिलता है, और एक अच्छा फीचर है कि बोर्ड ड्राइवर एंड को ड्राइवर डोर्स पे हमें रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, और इसी के साथ यहाँ पे हमें 40 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। बाकी अगर मैं साइड के लुक्स के बारे में बात करूँ तो ये कार काफ़ी एलोंगेटेड फील हो रही है। चलिए अब ज़रा कार के रियर पार्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें LED विंग लाइट देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ पे हमें रियर वाइपर भी ऑफर किया गया है। ऑल्सो फ्रंट की तरह रियर में भी क्रोम का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है जो अगेन प्रीमियमनेस ऐड करता है कार को। चलिए कार के बूट को भी ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 354 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो आपके लिए मोर देन इनफ है। आप इजीली अपने लगेज को स्टोर कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे हमें पार्शल ट्रे भी देखने को मिल जाती है। एक अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि आपको बूट को क्लोज करने के लिए भी एक हैंडल दिया गया है, और यहाँ नीचे हमें पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं। लुक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अच्छी लग रही हैं, डिसेंट लग रही हैं। गेटिंग इनसाइड द कैबिन ऑफ द कार, सबसे पहले तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे हमें ड्यूल टोन कैबिन देखने को मिलता है। इस एरिया में हमें ब्लैक फिनिश दी गई है, और यहाँ पे हमें बेज रूफ और बेज ही सीट देखने को मिलती है। बात करूँ कंफर्ट के बारे में तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी सिटिंग कंफर्ट मिलती है। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली कह सकती हूँ कि इससे बेटर सिटिंग कंफर्ट आपको इस सेगमेंट में नहीं मिलेगी। यहाँ हमें सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। बात करूँ ग्लव बॉक्स के बारे में तो यहाँ पे हमें ओके अमाउंट ऑफ स्पेस दे दी जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बट आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ हमें सॉफ्ट टच फिनिश देखने को मिलती है। इस एरिया में दो हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, बट अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ किया गया है। बात करूँ हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो हमें 7-inch डिजिट पैड 2.0 मिलता है, जो जिसका टच रिस्पॉन्स फ्लूइड है, और साथ ही में हमें बटन कंट्रोल्स भी दे दिए जाते हैं। हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक AC मिलता है विद टच पैनल। यहाँ पे हमें कुछ स्टोरेज के लिए स्पेसेस दिए गए हैं, 2 कप होल्डर्स है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है। और बात करूँ हमारे स्टीयरिंग व्हील की तो ये हमें लेदर रैप देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें क्रूज़ कंट्रोल और यहाँ पर हमें ऑडियो कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। और जो इस कार का मेन हाईलाइट है इसकी सनरूफ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलती है जो अपने सेगमेंट में इकलौती ऐसी कार है जो सनरूफ ऑफर कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये कार बहुत ही स्पेशियस है और बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लग रही है।
यहाँ हमें एडवांस मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता है जो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, स्पेशली दैट ब्लू बैक लाइट्स। एंड इसमें आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, टेकोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड क्रूजिंग रेंज जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब मैं आ गई हूँ कार के रियर कैबिन में, तो जिस हिसाब से मैं बैठी हूँ आप देख ही सकते हैं कि कितना लग्जूरियस कैबिन है इस कार का। जैसे मैं सीट को एडजस्ट करके बैठी हूँ, ये जो फीचर है आपको सिर्फ इसी कार में देखने को मिलेगा। बाकी जो हमारा हेडरूम है वो भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। कंफर्ट के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत अच्छी लगी मुझे इस कार की कंफर्ट, और यहाँ पे इजीली 3 पीपल बैठ सकते हैं। होंडा आपको 3 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी इस पर ऑफर करता है, और इस मॉडल का जो आपको एक्स शोरूम प्राइस है वो है 8,81,000 पे ही आपको मिल जाएगा। और 8,81,000 आपको इस पर क्यों स्पेंड करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ इट्स लग्जरी इंटीरियर्स, इसकी सिटिंग कंफर्ट और जो इसका एक्सक्लूसिव फीचर सनरूफ है। अगर आप वो सब चाहते हैं तो आप इस पर ज़रूर इतना स्पेंड कर सकते हैं। बाकी कार बहुत अच्छी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ऑल्सो सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। टिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।